आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लेट अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स क्या अल्फा और बीटा है। पी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो हो गया तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। ठीक है, इफ पी कॉमा क्यू एंड आर विद द कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ नॉन कॉन्स्टेंट जीपी, यानी नॉन कॉन्स्टेंट जीपी मतलब ये जो कॉन्स्टेंट जीपी 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये भी एक जीपी है लेकिन ये जो है ना तीन कंजुगेटिव टर्म है वो भी नॉन कॉन्स्टेंट, इस बारे में देख लीजिए ख्याल रखिएगा। एंड दिस इक्वल टू दिस, इसके बराबर ये अपने इसके बराबर दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या दे रखा है कि पी एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने सॉरी माइनस नहीं प्लस टाइम्स क्यू एक्स माइनस टाइम्स आर इक्वल टू अपने जीरो दे रखा है। क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। अब अपने पास पी क्यू आर के बारे में कमेंट कर रखा है, किसके बारे में पी क्यू आर के बारे में, पी कॉमा क्यू कॉमा आर ये अपने के पास क्या है कंजुगेटिव जीपी है। ये अपने पास देख लो, ये अपने पास क्या है कंजुगेटिव अपने के पास जीपी है, कंजुगेटिव जीपी। ठीक है, अगर अपने पास ये कंजुगेटिव जीपी है तो अगर हम पी को आर मानते हैं, पी को हम क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, तो क्यू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, इसका फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन रेशियो अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो ए आर के बराबर। ठीक है, यहां से अपने पास आर स्मॉल आर ले लीजिए ए आर, और अपने के पास आर किसके बराबर जाएंगे तो ए आर स्क्वायर के बराबर, ए आर अपने के पास क्योंकि आर तो है ही, तो यहां से अपने के पास ए एम ले लीजिए, ए एम क्योंकि इसका कॉमन रेशियो एम है, और यहां से अपने के पास आर किसके बराबर जाएंगे तो ए एम स्क्वायर के बराबर। हाँ है ना, जीपी का तो अपने पास यही फंडा होता है, जब ये जीपी है तो यहां से अपने पास इसको क्या इसके बराबर लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं अपने के पास ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ए एम एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स ए एम स्क्वायर के बराबर इक्वल टू जीरो। ए कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एम एक्स और माइनस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे ए एम स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास जीरो के बराबर। हाँ या ना, जब ये इनके जीपी है, ये जीपी है तो इनके रूट्स है अल्फा और बीटा। क्या दे रखा है, हमने कह रहे हैं क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा और बीटा क्या है इनके रूट्स है, जब अल्फा और बीटा इनके रूट्स है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा इक्वल टू किस तरह दे रखा है 3/4 के बराबर। यहाँ से अपने पास आर का वैल्यू एम का वैल्यू आ जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में किस बार आ जाएंगे अल्फा बीटा, बताइए किस बार आ जाएंगे तो 3/4 के बराबर। जैसे आपने कहा ये 3/4 अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस यानी माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस एन के बराबर, और अल्फा बीटा आपने कहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी यहाँ किसके बराबर आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास ए, कहाँ से आ गया ये आपने के पास ए नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये आपने के पास ए नहीं होगा, ये आपने कहा कुछ इस तरीके का हो जाएगा बराबर, तो यहाँ से आ गया अल्फा बीटा आपने कहा किस बार आ जाएंगे तो माइनस एम स्क्वायर के बराबर, माइनस एम स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 3/4 के बराबर। यहाँ से आपने जो कैंसिल आउट रहा है कैंसिल आउट कीजिए, जो बच रहा बचा लीजिए, ये गया एम और स्क्वायर गया, तो यहाँ से आपने एम का वैल्यू बताओ एम इक्वल टू आपने कहा किस तरह आ जाएंगे तो 4/3 के बराबर, तो यहाँ से जो एम आया वो आपने कहा किस तरह आ जाएंगे 4/3 के बराबर, यानी कॉमन रेशियो 4/3 के बराबर आ गया। जब कॉमन रेशियो 4/3 के बराबर आ गया तो यहाँ से आपने कहा पी क्यू आर भी आ जाएगा। अच्छा, पी क्यू आर नहीं पूछ रखा है, पूछ रखा है आपने के पास क्या है तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा तो सम ऑफ जीरो, यहाँ से आपने कहा पहले अल्फा प्लस बीटा बताइए तो किस तरह आ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा एम के बराबर है नॉट एम बल्कि माइनस एम के बराबर, यानी आ गया -4/3 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा अपने किस बराबर है तो यहाँ से माइनस एम स्क्वायर के बराबर, यानी आ गया किस बराबर तो माइनस टाइम 16/9 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है, अब अपने कहा इसका वैल्यू पूछा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपने किस बराबर होता है, अल्फा माइनस बीटा इन पूरे का होल स्क्वायर अपने किस बराबर होता है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इन पूरे का अपने कहा क्या होता है होल स्क्वायर, और माइनस टाइम्स 4/अल्फा बीटा के बराबर। हाँ या ना, अल्फा प्लस बीटा किस बराबर है तो यह आगे अपने कहा 4/3 माइनस टाइम्स इस पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स 4 × -16 और अपॉन में 9 के बराबर। यहाँ से अपने कहा सॉल्व कर लीजिए, ये किस बराबर जाएंगे तो 4 × 16 16/9 के बराबर, और यहाँ से आगे अपने कहा माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स 4 × 16/9 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आगे अपने कहा 5 × 16/9 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आगे अपने पास 80/9 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएंगे 80/9, 80/9 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देख रहे हैं क्वेश्चन को अपने पास घुमाया कैसे जाता है, एपी इसमें जीपी अपने पास थोड़े बहुत लगाती है, बाद में की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करने जाते हैं सम ऑफ जीरोस क्यू अपॉन पी के बराबर, ऐसे भी हो सकता था लेकिन थोड़ा लेंदी होता। ठीक है, जब थ्री कंजुगेटिव टर्म दे रखा है जीपी का तो कोई बात नहीं, चलिए हमारे पास जो टर्म एंड कंडीशन है, जो भी हमारे पास ये है कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को तो अप्लाई करें। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का ऑप्शन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।